कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आता है, कभी कभी लोभ आता है, कभी कभी हम लोगों हम लोग डर जाता है ना, कभी कभी हम लोगों को अहंकार आता है मन में, कभी कभी घमंड उत्पन्न होता है, हमेशा ये कभी कभी होते रहता है कि नहीं। हम लोग कोशिश हम लोग क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब गुस्सा आ गया तो उसी समय गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, जब लोभ आ गया तो उसी समय लोभ को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। मुश्किल है करना। एक उदाहरण हम बता देंगे, आप सबको गुस्सा आया होगा कभी ना कभी, है ना, बहुत जोर से गुस्सा आया होगा कभी कभी, उसी समय तुरंत आपको गुस्सा कंट्रोल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है ना, उस समय आपको गुस्सा को कंट्रोल करना नामुमकिन है। मन में लोभ उत्पन्न हो गया तो उसी लोभ को लोभ उत्पन्न होने के बाद तुरंत कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है उसी लोभ, क्यों? भगवान बुद्ध ने बताया, मन में गंदगी उत्पन्न हो गया तो उसी गंदगी से मन जल जाता है, यानी कि गुस्सा मन में उत्पन्न हो गया तो मन क्या हो जाता है? जल जाता है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी पहचान सकता है क्या? कुछ भी नहीं पहचान सकता है। क्यों? मन जल गया। इसका मतलब आप लोग आप एक बात साफ साफ समझ गए हैं, कभी भी जो कुछ गंदगी उत्पन्न होता है उसी समय मन शांत नहीं हो जाएगा, नहीं करा सकता है, नामुमकिन है, नहीं कर सकता है। ऐसा है तो अभी तक मन में गंदगी है, वो गंदगी को हटाने के लिए अभी तक कोई गंदगी मन में आया ही नहीं, वो गंदगी को रोकने के लिए। दूसरा तीसरा, हम लोग के पास थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का क्षमता है, वो बढ़ाने के लिए अभी तक हम लोग ध्यान समाधि वगैरह पाया नहीं, वो पाने के लिए ये चार प्रकार का मेहनत वीर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम आपको एक एग्जांपल बता देंगे। कभी कभी हम लोगों को प्यास लगता है ना, प्यास लगने पर उसी प्यास को बुझाने के लिए आप रास्ते पे जाते हैं, प्यास लग गया, उसी प्यास को बुझाने के लिए तुरंत आप कुआं खोदना पड़ेगा। अगर ऐसे करेंगे तो आप प्यास लगने पर आप उसी प्यास को बुझाने के लिए कुआं खोदने जाएगा तो आप प्यास बुझ जाएगा? नहीं। मुश्किल है ना, वही सही है, जब गंदगी उत्पन्न होते समय उसको मिटाने गया तो मुश्किल है, नहीं कर सकता है। एक है तो पहले से ही हम लोग एक पानी बोतल को ले जाना चाहिए, है ना। और एक उदाहरण हम बता देंगे, कभी कभी आपको कभी भूख लगता है, आपको भूख लगने पर जब भूख लगता है उसी समय आप खाना बनाना शुरू किया तो इलाज हो जाएगा क्या? नहीं है ना। ऐसे है तो पहले से खाना तैयार करके रखना पड़ेगा जब भूख लगता है उस समय खाने के लिए। वैसे ही है, आप कहीं युद्ध में जाएंगे, आज आप कहीं युद्ध में जा करके युद्ध करना है, ठीक है, अब युद्ध करना है, आप युद्ध में जाके सभी लोगों के सामने जाके युद्ध करने के लिए शुरू करना है, उसी समय आप अपना साथी को ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, उसी समय आप अपना हाथी को ट्रेनिंग करवाता है, उसी समय रुके 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 भाई ऐसे करके अपना घोड़ा को तैयार करवाता है, अपना सिपाहियों को तैयार करवाता है, युद्ध जीत पाएगा? वही सही है, आपका आपको कभी भी गुस्सा क्रोध इत्यादि गंदगी जब मन में उत्पन्न होता है तब उसको मिटाना मुश्किल है। ऐसे तो युद्ध के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से ही अपना हाथी घोड़ा सिपाही सभी लोगों को तैयार करना पड़ता है ना। वैसे ही है, प्यास को बुझाने के लिए पानी को पहले से रखना पड़ेगा, और
भूख को मिटाने के लिए पहले से खाना तैयार करके रखना पड़ेगा। इसलिए एक बात याद रखिए, हम लोगों का मन की गंदगी को मिटाने के लिए हम लोग पहले से ही तैयार होते रहना चाहिए। यही है बात। हम मैत्री ध्यान जब गुस्सा आता उसी समय नहीं कर सकते हैं। हम लोग को कुछ भी मन की गंदगी जब उत्पन्न होता है उसी समय मन की गंदगी को मिटा नहीं सकते, इसीलिए पहले से हम लोग तैयार होते रहना पड़ता है। ऐसा है तो रोज मैत्री ध्यान पहले से ही करना पड़ता है ना, अभी से पहले से हम लोग अनित्य ध्यान, जो कोई ध्यान है बुद्धानुस्ति अशुभ, जो कोई ध्यान है वो ध्यान पहले से हम लोग करके रखना पड़ता है। उसी ध्यान समाधि वगैरह यानी कि पुण्य की रास्ता पे हम लोग पहले से जाना चाहिए। पहले से जाने से ही जब गुस्सा आता है तब मिट जाएगा, मिटाना जरूरत नहीं है। क्यों? गुस्सा आते से गुस्सा आता ही नहीं है क्योंकि रोज मैत्री ध्यान में मन रखता है। कुछ देख कर तो लोभ उत्पन्न होगा ही नहीं, मन आसक्त होगा ही नहीं क्योंकि पहले से मन उसके लिए तैयार है। अब समझ में आ गया आप लोगों की एक बात। तो भगवान बुद्ध ने एक बात बताया है, और एक उदाहरण बताया भगवान बुद्ध, तो क्या है हाँ वही पटिगच्छेव नंखायिरा यांजान्या हितमत्तनु न सातिक चित्ताय मन्ता धीरो पराक्रमे। अपना कल्याण के लिए जो लोग प्रसन्न करता है, अपना कल्याण के लिए जो लोग चाहते हैं अपना कल्याण, वो लोग क्या करना चाहते हैं? शुरू से ही वीर करना चाहिए। उन लोग वीर करता है कैसे? यात्रा करने के बाद रास्ता भटक गया तो इधर उधर जाते रहना पड़ेगा ना, वैसा नहीं है। उन लोग वीर करता है एकदम सीधा, भविष्य के लिए अभी मेहनत करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अगर यात्रा करने वाले को रास्ता भटक गया तो बहुत पछताना पड़ता है कि नहीं इधर उधर जाने के बाद, वैसा। और उन्होंने बताया जो धर्म से हट जाता है वो लोग रास्ता भटका हुआ आदमी जैसा जीवन भर पछताते रहता है, और जो लोग धर्म की रास्ता से हट जाता है वो लोग जीवन भर पछताते रहता है, कोई संतुष्टि कुछ है ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों का मम्मी पापा लोगों को या फिर आप लोग का रिश्तेदार लोगों को, आप लोग का टीचर लोगों को जब गुस्सा आता है गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता है, मालूम हो गया ना अभी? जब लोग उत्पन्न हो गया तो क्यों नहीं कंट्रोल होता है? मन जलने के बाद गंदगी से मन जल गया तो उसको निवारण करना यानी कि मन को शांत करना मुश्किल है, नामुमकिन, नहीं कर सकता है। कोई जाके बताया तो आप लोग मत करिए, मन जल गया है फिर वो मारा पीट हो जाएगा। क्रोध होने के बाद शांत रहिए, नहीं हो पाता है फिर और लड़ाई कर लेगा। इसीलिए आप लोग पहले से ही मेहनत करिए, पहले से मेहनत करके पहले से अपना मन को धर्म की रास्ता पे चला के तैयार करके रखिए, भविष्य आपका जीवन आपका ही मन से सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बात कहा वो बात क्या है, धम्मो हावे रक्खति धम्मचारी। जो कोई धर्म की रास्ता पे जाता है
उन लोगों को धर्म से ही सुरक्षित मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है। धर्म के रास्ते पे जाने वाले लोगों को सुरक्षा धर्म से ही हो जाता है, और किसी का सुरक्षा जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी धर्म की रास्ता पे जाइए। पढ़ाई के लिए धर्म डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं है ना। घर का काम के लिए आप लोगों का ये धार्मिक काम बाधक होता है क्या? नहीं। आप लोगों का कोई भी काम पे ये भगवान बुद्ध की रास्ता बाधक नहीं होता है। इसीलिए आप लोग वो काम भी अच्छे से करिए, घर का काम भी अच्छे से करिए, माँ पिताजी का सेवा भी अच्छे से करिए, पहले से ज्यादा पढ़ाई का काम और अच्छे से करिए, तथा ध्यान और ये धर्म की रास्ता पे अपने जीवन को चलाने का काम भी और अच्छे से करिए। वो आप लोग का हमेशा सुरक्षा कर लेगा, कर देगा, ताकि जैसे कि आपको हर एक क्षण में सुरक्षा करने वाले देवता जैसा, ईश्वर जैसा धर्म आप लोगों को हमें सुरक्षित करेगा। सभी लोग ये बात समझ में आ गया है? तो आप लोगों को प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोगों को धर्म से सुरक्षा मिल जाए।